पाकिस्तानी टीम क्यों परफॉर्म नहीं कर पाई पहले दो मैचेस में, शिकस्त की वजूहात क्या थी? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे दोनों मैच मजबूत मैच थे। इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो लो हुआ उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ लड़कों में। वो बिलीव ख़त्म होता है नेचुरली, एक स्पोर्ट्समैन का बिलीव जो होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है कि आर वी गुड इनफ और मैं अच्छा खेल रहा हूँ। उससे उसका इम्पैक्ट जो होता है टीम पर पड़ता है। तो हमारी जो कोशिश होती है कि एज ए कोचेज या एज ए स्टाफ हम ये कोशिश करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस को डिवेल्प करें ताकि कहें कि खुल के खेलें, फ्रीली खेलें। बड़ा वर्ल्ड कप है, इसमें जिसके जितने नर्व्स और जितना टेम्परमेंट तगड़ा होगा वो लोग वो टीमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। जिम्बाब्वे और यूएई तो ठहरे आसान मैचेस, क्या आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी टीम तैयार है और जीत जाएगी? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कल के मैच को बड़ा वाइटल देखा जाएगा। उसमें अगर कुछ लड़के जो फॉर्म में नहीं हैं अगर वो परफॉर्म करते हैं तो दैट कॉन्फिडेंस शिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका मैच में जाएगा। हमें मैच टू मैच खेलना पड़ेगा, हमें ज़्यादा हमें आगे नहीं देखना पड़ेगा। हम वी ऑल नो दैट, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर हैं, केपेबल हैं, जो मैच ऑन द डे दे कैन विन अ गेम फॉर यू। तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं, अल्लाह के शुक्र से हम कॉन्फिडेंट हैं। हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, दलेर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और किसी कॉन्सिक्वेंसेस से घबराना नहीं पड़ेगा। आप 92 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, कितनी मुख्तलिफ है आज की टीम उस टीम से? क्या वर्ल्ड कप जीतने की सलाहियत है इस टीम में? इंशाल्लाह क्यों नहीं कर सकती, वाई नॉट। हमारा भी देखें 92 का भी तो हमारा बड़ा पोर स्टार्ट हुआ था। और बट बिलीव बहुत ज़रूरी है। आपको जब तक यकीन होता है कि हम कर देंगे फिर सारी अल्लाह की तरफ से सारी जो होती हैं सारे सर्कमस्टांस आपकी तरफ चलने लग जाते हैं। बट यहाँ से जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टेम्परामेंट और बिलीव है, ये लूज़ नहीं करना चाहिए। इस पर अगर इंसान लूज़ करता है तो उसकी जो अपनी स्ट्रेंथ होती है वो उसको भी भूल जाता है, वो डिलीवर नहीं कर सकता बेहतरीन। तो आई थिंक पाकिस्तान कैन विन द वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान को मेहनत करनी पड़ेगी, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी और हमें वी डोंट हैव टू लीव एनीथिंग बिहाइंड। यासिर शाह को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? तजुर्बेकारों का ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिचेस पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये टीम की स्ट्रेटजीज होती हैं, इसमें मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। ये टीम की डिस्कशन होती है, टीम की बैलेंस को देखना पड़ता है। रियल वर्ल्ड में लेग स्पिनर्स आर द मैच विनर्स, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो ओपिनियन के मुताबिक आपकी जो ओपिनियन होती है वो एक लिमिटेशन ओपिनियन होती है। आपको टीम का बैलेंस देखना पड़ता है और उस टीम के बैलेंस को देखने के लिए आपको टीम सेलेक्ट करनी पड़ती है। अगर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर गए तो क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, ये बहुत क्वार्टर फाइनल के बाद की बात है, अभी हमें 2-3 मैचों में अपने फोकस करना है। जब क्वार्टर फाइनल आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपको हमारी स्ट्रेटजी का नज़र आ जाएगी। कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है आपके ख्याल में पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के बाद फेवरेट टीम इस वक्त तो जो मुझे लग रहा है जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं वो न्यूजीलैंड है।